छत्तीसगढ़ से हैं रवीश कुमार जी, स्वागत है आपका। मेरे पेट में गैस बन जाता है, पेट फुला फुला लगता है और खाना पचता नहीं है, कभी कभार ढकाल आता खट्टा खट्टा। ठीक और है, दूसरा सवाल है कि मुझे चलने फिरने में दिक्कत होती है, दो मतलब 10 साल हो गया है और 2015 साल पहले मैंने ऑपरेशन करा था अपना पैरों का। एक पैर का ऑपरेशन हुआ, दाहिने पैर का, और उसके बाद बस आगे के सारा चल रहा था। चलने में बहुत दिक्कत होती, कंपन है पूरा शरीर में, दर्द दर्द तो बिल्कुल नहीं है शरीर में। अब मेरा उम्र है 35 वर्ष और इसके लिए कोई समाधान? ठीक। जी हमें अच्छा तो जब लगता, जब ऑपरेशन से पहले ही आपसे हमारा संपर्क हो जाता, ये ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आप यूनानी दवा लें, जो भी ऑपरेट करने वाले लोग हों, थोड़ा सा रुक जाएं, इन ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ना ये कामयाब होते हैं। बस हमारे लाखों रुपए चले जाते हैं और पूरी ज़िंदगी की मोहताजी हो जाती है। ये घुटनों में दर्द हो, कमर में हो, पिंडियों में हो, पैरों में हो, कहीं भी दर्द हो, दुनिया की बेहतरीन औषधि है ये एक रॉ मटेरियल, जो सस्ता भी बहुत है। सस्ता इसलिए है कि 15-16 रुपए का 1 ग्राम आ जाता है। ये 1 ग्राम गोंद, गोंद स्याह कहते हैं, काला गोंद भी कहते हैं इसे, ये गोंद स्याह असली मिलना ज़रूरी है। कुछ बेईमान लोग नकली भी बेचते हैं, तो अगर ये असली मिल गया आपको तो 1 ग्राम लीजिए, उसके दो हिस्से कीजिए, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खाइए और आधा ग्राम रात को खाने के बाद। ये किसी भी जोड़, किसी भी नर्व, किसी भी डिस्क, किसी भी साइटिका, किसी भी दर्द का यूनानी ऐसा इलाज है जो मेरे अनुभव में आज तक मैंने नहीं देखा, इतना फ़ायदा करता है। भरोसा करें, असली लें, ये दर्द का इलाज है। अब पेट की समस्या रह गई, उसके लिए मैं एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ जो मेरे लाखों और करोड़ों व्यूवर्स यूज़ करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं और फीडबैक देते हैं, वो भी आप लिख लीजिए। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ें आपके किचन में अक्सर मिल जाती हैं। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना के रखें, हर घर में रहना चाहिए। और अच्छे जो सभ्य पढ़े लिखे घर हैं, अब वो रखने लगे हैं, ये किसी को भी कभी भी काम आ सकते हैं। ये एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन, पेशाब का इन्फेक्शन, वर्म, लीवर का वर्म, आँतों का वर्म, मैदे का वर्म, एसिडिटी का वर्म, कब्ज़, बवासीर, स्किन प्रॉब्लम और पता नहीं कितने रोगों में फ़ायदेमंद होता है। ये 6 चीज़ों का पाउडर 1 चम्मच खाइए सुबह नाश्ते से पहले, और 1 चुटकी या 2 चुटकी नमक जैतून आता है कि असली लेना, ये नकली भी मिल जाता है। नमक जैतून देखने में नमक जैसा ही होता है, खाने में नमकीन नहीं होता, हल्का सा मामूली सा कड़वापन या ठंडापन होता है। 2 गिलास पानी मिला लीजिए, ये 2 गिलास पानी पी लीजिए दिन में 1 बार या 2 बार। पेट की और जितनी समस्याएं मैंने आपको बताई तकरीबन 10, यहाँ तक के सोराइसिस, मुहासे, बाल गिरना, इन सब को भी फायदा पहुँचाता है, आप इसे लिया करें, फायदा उठा सकते हैं। नरेश जी, स्वागत है आपका। लेडीज, और जब बच्चा दूध पिए तो उसमें दर्द हो है लेडीज को? जिन बच्चियों को दूध पिलाने में तकलीफ होती है उनके लिए भी नुस्खा है, और ये नुस्खा अजीब व गरीब है। एक तो ये नुस्खा दूध खूब बनाता है, और फिर
बहुत पौष्टिक दूध बनाता है और उस पौष्टिक दूध को पीकर बच्चा बहुत हस्त पुष्ट होता है और तकलीफ भी ख़त्म हो जाती है महिलाओं की। तो जिनको बहुत दूध चाहिए, दूध कम बनता है या बच्चा दूध तंदुरुस्ती वाला दूध नहीं बनता, तो ये बड़ा अच्छा नुस्खा है। एक चम्मच खसखस, खसखस तो सभी जानते हैं, गर्म मसालों में बारीक बारीक दाने, खसखस भी कहते हैं, खसखस भी कहते हैं। एक चम्मच खसखस और एक ग्राम गौंद मोरिंगा सफ़ेद और एक गिलास दूध, इनको खूब बारीक पीस कर बच्ची को पिला दिया करिए, माँ को। इससे 3-4 फायदे होते हैं। एक तो दूध बहुत तंदुरुस्ती वाला बनेगा और मजबूती वाला बनेगा, बच्चे को फर्बे करने वाला, ग्रोथ करने वाला, और बच्चे को एक प्रॉब्लम होती है जो शिशु हैं दूध पीते बच्चे, उनको दो ही बातों में तकलीफ होती है जब वो रोते हैं, तो या तो उसका पेट ठीक नहीं रहता, पेट में तकलीफ होती है, या भूख लगती है। तो खूब दूध मिलेगा, भूख लगेगी और पेट की तकलीफें से निजात देता है। फिर नज़ला खांसी ये बच्चों को होने लगता है, उससे वो महफूज रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो समझ लीजिए, एक बार और दोहराता हूँ, एक चम्मच खसखस पीस लें, खूब सारी खसखस पीस के रख लें, एक चम्मच खसखस, गौंद मोरिंगा सफ़ेद एक ग्राम और एक गिलास दूध में मिलाकर रोज़ाना एक बार या दो बार बच्चे की माँ को पिलाया जाए तो बच्चे की तंदुरुस्ती देखने दिखाने लायक और बहुत सी बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं माँ और बेटे। जी, जोधपुर से अरुण जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल है मेरा, मेरे शुक्राणु में इन्फेक्शन है, 15 साल से बच्चे नहीं है मेरे। ठीक है, ठीक है। और दूसरा सवाल, मेरे उल्टे हाथ की तरफ पसलियों के नीचे पेट में दर्द होता है 6 महीने से। ठीक है, यहाँ पर। तीसरा सवाल है कि मेरी सांस चलती है ना तो उनका सांस भरता है, थोड़ा हाथ में दर्द होता है। मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ, वो आप गौर से सुने और फिर वो इस्तेमाल करें। देखिए, एक चीज़ है जो हर मेडिकल स्टोर पर मिलती है, लेकिन वो यूनानी दवा है, ईसबगोल की भूसी, या भूसी ईसबगोल लिख लीजिए, भूसी ईसबगोल या सत ईसबगोल लिखा हुआ आता है, सामने ही रखी रहती मेडिकल स्टोर पर, ये खरीद लें थोड़ी सी 50-100 ग्राम, और ये आपको दूध में मिलाकर 1 या 2 चम्मच रोज़ खानी है। खानी कैसे है, एक आता है गौंद चिलगोजा, ये एक रॉ मटेरियल है, इसको पाउडर बना लें, एक चुटकी में जितना आए इस गिलास में जिसमें दूध और ईसबगोल की भूसी डाली है उसमें मिला दें, अपनी ज़रूरत की शक्कर भी मिला दें, ठीक है। और ये रोज़ाना रात को सोते समय पीना है आपको, और मुमकिन हो तो अपनी पत्नी को भी पिला दें, तो अगर उनमें कोई कमी होगी तो वो भी निकलनी चाहिए और आपके अंदर जो बताया आपने उसमें भी फ़ायदा होगा। अब ये तो रात में लेना है आप लोगों को रोज़ाना, दिन में क्या लेना है, एक चुटकी में जितना नमक जैतून आ जाए 2 गिलास पानी मिलाकर असली नमक जैतून आप पी लिया करें। दूसरे जो रोग बताए ना आपने, ये पसली के नीचे दर्द हो रहा है या इन्फेक्शन है कहीं पर, चाहे लीवर में इन्फेक्शन हो, चाहे शुकाणु में हो, या आंतों में हो, या किडनी में हो, या पेशाब में तकलीफ हो, ये तकरीबन 10 बीमारियों पर काम करता है, आप ये लेना शुरू करें। भगवान से खूब मदद मांगें, बहुत जल्द आप साहिब उम्मीद हो सकते हैं।